हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित कुमार और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कैसे आप हिकविजन कंपनी की DVR के अंदर हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप एक नई DVR को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास ये हिकविजन का DVR है, चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा बॉक्स खुल गया। दोस्तों मेरे पास ये हिकविजन कंपनी का 4 चैनल का DVR है और आज हम इसी के थ्रू सीखेंगे कैसे आप अपने DVR में हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस हिकविजन DVR के नीचे 4 स्क्रू दिए हुए होते हैं, आप उनको आसानी से ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 स्क्रू खोल लिए हैं और अब आपको इसको नीचे से पकड़ के ऊपर खींच लेना है, ये आसानी से ओपन हो जाएगा। दोस्तों मेरा DVR ओपन हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक सिंपल छोटी सी प्लेट होती है और बाकी स्पेस हमारे हार्ड डिस्क के लिए दिया हुआ होता है। दोस्तों अगर आप डब्बे के अंदर देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक SATA केबल और एक पावर केबल साथ के साथ मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर से मैंने SATA केबल और पावर केबल निकाल ली हैं, इनको मैं निकाल लेता हूं अब बाहर। दोस्तों ये मेरे हाथ में भी पावर केबल है जिसके थ्रू हम अपने हार्ड डिस्क को पावर देंगे और ये हमारी SATA केबल। दोस्तों इसी के थ्रू ही हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। और मैंने निकाले हुए अपनी हार्ड डिस्क को बाहर। दोस्तों ये है हमारी हार्ड डिस्क। दोस्तों ये 1 TB की हार्ड डिस्क है और ये एक सर्वलेस हार्ड डिस्क है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक सर्वेलेंस हार्ड डिस्क है, जैसे इसके ऊपर लिखा भी होगा सर्वेलेंस ड्राइव। तो अगर बेहतर होगा कि आप अपने DVR के लिए या फिर किसी अगर आप किसी और कंपनी का भी DVR यूज़ कर रहे हैं, आप स्पेशली सर्वेलेंस हार्ड डिस्क ही खरीदें। दोस्तों जो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क होती है वह स्पेशली कैमरों के लिए ही बनाई जाती है, चलने के दोस्तों अदर हार्ड डिस्क भी आराम से चल जाएंगे पर दोस्तों वो बाद में इशू करती हैं, वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये हार्ड डिस्क बनी होती है 24 घंटे चलने के लिए, ओनली राइट के लिए, क्योंकि रीड तो हमें कभी कभी करना पड़ता है, इनका काम सिर्फ राइट का होता है, 24 घंटे चलती ही रहती हैं। पर दोस्तों अगर आप सस्ते के चक्कर में कोई दूसरी हार्ड डिस्क डालेंगे वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों आप मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छा सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप सर्वेलेंस हार्ड डिस्क ही खरीदें। दोस्तों आपको डब्बे के साथ ही कुछ स्क्रू भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क को अपने DVR में फिक्स करेंगे। अब इन स्क्रू को हार्ड डिस्क में लगा लीजिए और ये हमारी SATA केबल, आपको ध्यान में रखते हुए इसको लगाना है। दोस्तों इसमें एक लॉक सिस्टम दिया हुआ होता है, अगर आप उसको उल्टा लगाना चाहेंगे तो वह उल्टी कभी नहीं लगेगी। जो इसमें लॉक सिस्टम दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें लॉक सिस्टम दे रखा है, ये L टाइप बना हुआ है। तो दोस्तों ये और हार्ड डिस्क में भी आपको L टाइप का ही सेप मिलेगा, तो ये बिल्कुल इसके थ्रू ही मैच होके लगेगी। दोस्तों ये उल्टी कभी नहीं लगेगी, अगर आप इसको उल्टी लगाना चाहेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क या फिर आपकी SATA केबल डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको इसको सीधा ही लगाना है और ऐसे ही आपकी पावर केबल में भी L दिया हुआ होगा, आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए आसानी से लगा लेना है। दोस्तों हमने अपनी दोनों केबल लगा ली हैं, हार्ड डिस्क को लगा देते हैं अपने DVR में। हार्ड डिस्क DVR रखने के बाद आपके स्क्रू नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको उनको आसानी से टाइट कर लेना है। मैं कर लेता हूँ इनको सभी को टाइट। दोस्तों मैंने सभी स्क्रू को टाइट कर लिया है और अब मैं कर लेता हूँ इसको, और जो हमने हार्ड डिस्क की अभी वायर लगाई थी
उसको हम अपने DVR के बोर्ड के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये पावर केबल है, इसमें भी लॉक सिस्टम दे रखा बोर्ड के साथ। आप इसको उल्टी लगाएंगे तो ये भी यहाँ पे भी उल्टा नहीं लगे, जैसे ये लगता है वैसे ही लगेगा दोस्तों। आप उसको आसानी से लगा लीजिए, ऐसे ही आप SATA केबल को भी लगा लीजिए। दोस्तों हमारी हार्ड डिस्क हो चुकी है प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल। अब आप आसानी से अपने DVR को बंद कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप कितनी आसानी से DVR के अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने हार्ड डिस्क कर लिया है इंस्टॉल्ड, अब मैं कर लेता हूँ DVR को बंद। जैसे कि हमने शुरुआत में इसकी स्क्रू को निकाला था, वैसे ही हम दोबारा इसकी स्क्रू को लगा देंगे और हमारा DVR हो जाएगा रेडी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।